कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बढ़िया होंगे गाइस। और नो डाउट आज मार्केट ने पूरा रुला के रखा और थोड़ी सी कसर बाकी थी। लास्ट में वो इतनी तगड़ी मोमेंटम आई, वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। बट फिर भी तुम्हारे भाई ने अपने आप को संभाला, अपने कंट्रोल, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल किया अपने इमोशंस को। और आप इन प्रॉफिट्स एंड लॉस को एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा आपको मजा आएगा देखने में भी। इट्स 37,000 लॉस जो कि कब हुआ मुझे, मेरे को सबसे खतरनाक तो लॉस इसी को झेलने में, इसको रिकवर करने में चला गया, राइट? तो सबसे पहले रिमूव माय ड्राइंग्स। मार्केट मेरे को यहाँ तक, मैंने यहाँ से शॉर्टिंग करी हुई लगभग इस एरिया से, और इस एरिया तक मुझे अच्छा खासा बहुत ही प्यारा प्रॉफिट दे रहा है। बट अचानक से मार्केट क्या करता है, थोड़ा पुल बैक लेता है इस एरिया पे, और उसके बाद में खटक खटक करके वो सीधा 1% अप जाता है। और आफ्टर वन परसेंट मुझे एक अच्छा खासा एक गिफ्ट देके जाता है 37,000 का। मतलब ये मान लो कि 37,000 रुपीज का जो लॉस है वो सिर्फ इतने से मार्केट का लगभग आप मान लो। और बाकी का जितना भी प्रॉफिट और लॉस आपको दिख रहा है, 43,000 प्रॉफिट, 21,000 प्रॉफिट, 18,000 लॉस, 26,000 लॉस, 24,000 प्रॉफिट एंड 22,000 प्रॉफिट, राइट? अगर 2200 प्रॉफिट, ये सारा का सारा आफ्टर दिस मूव, आई रिपीट, इस मूव के बाद में, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था अपनी स्ट्रीम बंद करते वक्त, मैं ऑर्डर लेके चलता हूँ। नो डाउट मैंने बहुत मल्टीपल ऑर्डर्स डाले हैं, ऑलमोस्ट 76। आई एम नॉट कंसिडर दिस इज माई प्रॉफिट एज ऑल। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम 50 ऑर्डर्स डाले थे तो ऑलमोस्ट 4,800 का मुझे लॉस बेसिकली ब्रोकरेज लग गया था। बट हाँ, मैं खुश हूँ कि मुझे यहाँ लॉस ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ ऑलमोस्ट मैं मान लेता 2,000 तक का लॉस और 11,000 की ब्रोकरेज लग जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मेरे को डे एंड के अंदर में 1 से 2,000 लॉस में ले सकता हूँ, बट आई कांट टेक मोर देन 1 or 2,000 लॉसेस, राइट? और टोटली आप मान के चलोगे मैंने जस्ट कितनी बड़ी बड़ी स्किल्पिंग करी है, आप यहाँ क्वांटिटी देखिएगा आपको भी हैरानी हो जाएगी। क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी 1200 से कम की क्वांटिटी नहीं है गाइस, इतनी 1200 से भी कम की क्वांटिटी नहीं है। आप स्किल्पिंग टाइमिंग देखिएगा, 12:34 लगभग ये लास्ट ऑर्डर देखिएगा, लास्ट ऑर्डर 1200 में खरीदा है, 1200 क्वांटिटी 318 से 335 में बेच दिया। ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए जस्ट एंड जस्ट 17 points नियर बाय आप लेके चले, सिर्फ 17 रुपए के लिए मैंने कमाने के लिए 12 पॉइंट। अब 1200 × 17 करूंगा तो ऑलमोस्ट कितना आता है, 1200 × 17 लगभग 20,040, लगभग आपको एक ट्रेड मिल जाएगा 20,040 का, यही मतलब 21,000 समथिंग, और शायद यही ऑप्शन था मेरे पास, राइट? 37,400 का पुट लगभग 18,000। हाँ, ये मेरा लॉस कवर हुआ है, इधर मुझे 55,000 का लॉस था, ये रिकवर हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो, मैं ये मान के नहीं चल रहा मेरा प्रॉफिट है, दिस इज ऑल्सो माय लॉस। बट हाँ, मुझे जो लॉस होने वाला है 11-10,000 का ब्रोकरेज के हिसाब से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रवि भाई आपने ओवर ट्रेडिंग जरूर करी है। नो डाउट ओवर ट्रेडिंग वही लोग कर सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि मेरा 37,000 का मैं लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता था, बिकॉज ये अनवांटेड मूव मेरे हाथ में पड़ा। तो मुझे जब पता चल गया तो अब अगर मैं फंसा हूं तो बहुत लोग फंसे होंगे। तो एटलीस्ट मार्केट थोड़ा सा कंटिन्यू जरूर करेगा, 100 points, at least 100 to 200 points, 150 points मूव जरूर करेगा। और मान के चलो मेरी एक्सपेक्टेशन एकदम राइट थी, 210 points मूव करके गया। अब इसी के कारण आपको मैं एक और अकाउंट दिखाता हूँ, दैट इज एल्गोरिथम ट्रेडिंग, राइट? एल्गो ट्रेडिंग है, जैसे मैंने कल आपको दिखाया था 1,08,000 का शेयर वो था, ठीक है? ये एल्गोरिथम ट्रेडिंग है जिसमें आप देख सकते हो 25,000, आप मैं ऑर्डर्स दिखा देता हूँ, इट्स बीइंग ऑर्डर ऑफ 25, 25, 200, 200, 600, 600। आपको क्या कहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड मिल जाएंगे आपको, ऑलमोस्ट 25,000 का प्रॉफिट, 1400 का, 2600 का, 14, ये लॉस प्रॉफिट थे मॉर्निंग में। बट आखिरी में जाते जाते बैंक निफ्टी के जो ये जो बड़ा मूव था वो मेरे एल्गोरिदम ने क्या बोलते हैं कैप्चर किया, पूरा मूव एल्गोरिदम ने कैप्चर किया। अभी कब लिया मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ऑर्डर में जाके देख लेना, किसी को लगे फेक है तो सॉरी फॉर दैट, फॉर दोज पीपल्स। मतलब 37,100 कॉल, राइट? 37,100 कॉल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये कॉल आप देख सकते हो, ये बेसिकली एक बार बाइंग किया था, एक बार मैंने मतलब लगाता ही चला गया मैं, राइट? 37,100 कॉल को आप देख सकते हो,
कि इस कॉल के अंदर में मैं 25 25 25 125 मतलब ऐड करता ही चला गया ये एल्गो। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स के अंदर में ही इसने ऐड ऑन कर दिया है, और उसके बाद में 25,000 का प्रॉफिट हुआ ये एल्गो की वजह से। और एल्गो ने आज अपना कैपिटल कितना 16,000, कल कितना था गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कल 265 रुपये का प्रॉफिट था, आज एल्गो ने वही प्रॉफिट 16,190 का कर दिया है। ये 2 दिन का पीएनएल की अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा खासा पीएनएल है, वो भी कितनी कैपिटल में, नो डाउट बोलोगे सर ये तो कैपिटल बहुत ज्यादा था ना इसलिए हुआ है, नो डाउट मैं आपकी बात मानता हूं। अगर आप एक लॉट पे भी कंसिडर करो दिस इज अ 600 क्वांटिटी, अगर आप एक क्वांटिटी में भी कंसिडर करोगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपने बनाया है, मतलब 25,515 डिवाइडेड बाय अगर मैं ऑलमोस्ट 4 लॉट भी, एक लॉट का मान लेते हैं 25 का, तो 4 लॉट भी नहीं है, 6 लॉट 8 लॉट 8 लॉट्स के अराउंड ऑफ बात करूँ तो एक लॉट के हिसाब से आपको 3,000 समथिंग का प्रॉफिट हुआ है। एक अगर 3,000 समथिंग भी है तो यहाँ से अगर मैं हटा दूँ तो मैं फिर भी स्टिल इन प्रॉफिट्स में मैं निकलूंगा, राइट, क्योंकि ये जो 5,000 का फिर ये भी हैवी क्वांटिटी से ही किए गए ट्रेड है, राइट। ये जो कैपिटल है इसमें 1,80,000 यूज हुआ था, अदरवाइज मैं अगर एक एक लॉट की बात करूँ तो शायद एक लॉट में मेरा 1,000 से ऊपर लॉस नहीं जा सकता, याद रखिएगा मेरी बात, ये बात क्लियर होगी गाइज आपको। और ये मेरा अकाउंट है, एक अकाउंट और है जिसके अंदर मैंने ट्रेडिंग करी है, वो भी अलायंस ब्लू का अकाउंट है, ये मेरा एल्गोरिदम का अकाउंट है जिसमें मैंने ज्यादा पैसे इसमें नहीं लगा रखे, ओके गाइज। और गाइज एक अकाउंट मेरा ये है जिसके अंदर मैंने 18,000 बुक किया है, जो कि कैपिटल जो मेरे पास में है ऑलमोस्ट सॉरी ऑलमोस्ट 4,12,000 का मेरा कल थे कैपिटल, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो पोर्टफोलियो में, इसमें मैंने 24 ट्रेड्स लिए हैं, राइट, ये मेरा खुद का ट्रेडिंग है, ओके। तो यहाँ 60 ट्रेड्स का मतलब है अप एंड डाउन दोनों की सारी बात चल रही है, इधर 60 ट्रेड का मतलब हो जाता है यहाँ आप देखेंगे कि 1 सेकेंड विद इन अ सेकेंड्स के अंदर मैंने 1200 1200 क्वांटिटी ली हुई है, बट ये क्या है कि हर पूरे एक ही सेकंड में एक साथ 1200 क्वांटिटी नहीं हो रही, तो वो एक ही स्ट्राइक प्राइस को आप देख सकते हो मैंने प्रॉफिट्स कमाए ऑलमोस्ट बीइंग ऑफ 18,000 प्रॉफिट, राइट। मैंने बहुत छोटा स्केल्पिंग 1200 1000 इसमें 1000 क्वांटिटी लिए, ज्यादा नहीं लिया, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, राइट, ट्रेडेड क्वांटिटी में 100 200 300 300 400 500 और ये 600 और 700 700 और 300 पूरे 1000 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी मैंने कितने लिए जस्ट 18 पॉइंट लेके जस्ट बाहर हो गया मार्केट से, आउट द मनी ऑप्शन लेकर के मैं पुट लेकर के बाहर हो गया था, ये पुट लिया था मैंने, आप देख लीजिए इस पुट के अंदर में ये ऑप्शन सेलिंग का था थोड़ा बहुत, ओके। और ये देखो गाइस ये आ जाओ, अगर मैं पीएनएल की बात करूँ डे पीएनएल तो 13,700 समथिंग का, और एम टू एम की बात करूँ तो मेरा ऑलमोस्ट एम टू एम वो नेट वाइज की बात की जाए पीएनएल तो मेरा 11,265 है, जो कि मेरा 2,483 जो मैंने बोला था ना मैंने कॉल होल्ड कर रखा है, लो भैया मैंने कॉल इसी अकाउंट में लिया था, इसी अकाउंट मैंने होल्ड कर रखा है। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज इज कि सर कल क्या करना है, राइट, आज का तो छोड़ो कल क्या करना है। आज नो डाउट गाइज आई होप मैंने अपनी सारी चीजें आपके साथ में क्लियर कर दी है, मैंने अपना मैंने बोला भी था आप सभी को कि भैया मेरा एक अकाउंट में तगड़े वाला लॉस हुआ है 37,000 का, और वही मेरा एक जगह 18,000 का प्रॉफिट हुआ है तगड़े वाला, राइट, 4,000 का लॉस हुआ था मॉर्निंग में, तो आज का दिन अच्छा नहीं गया, फिर भी 13,000 यहाँ और लगभग इस टाइम तक यहाँ 1% तक का लॉस था, जस्ट मैं अगर मैं मानू ना ऑलमोस्ट अभी मान लीजिए इस टाइम पे इस पूरे सिनेरियो मेरा 1% तक का लॉस था, ज्यादा लॉस नहीं था, मतलब ये लगा लो 6 6 6 6.5 7 8,000 के अराउंड ऑफ लॉस था जो 13,000 के उसमें सेटल हो जाए, कोई टेंशन नहीं, बट ये जो 2 कैंडल आई ना इस कैंडल की वजह से मेरे को थोड़ा बहुत पैनिक सिचुएशन झेलना पड़ गया। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा एज अ ट्रेडर आपको अच्छे से ट्रेड करना है तो आपको ये सारी चीजें देख के चलनी पड़ेगी। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस हम क्या करने के हवाले कल, पता है आप मानोगे नहीं मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे दिखाता हूँ आपको, मैं ना बुलिश था बट फिर भी मैंने पागलपंती करी, मैंने फिर भी फ्यूचर को शॉर्ट करके रखा, बट आई डोंट नो व्हाई ये थोड़ा सा हो जाता है, मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे आपको दिखाता हूँ, राइट गाइज आप देखिए गाइज के अंदर में 12:02 पे रवि मेरा नाम गाइस थोड़ा बुलिश है, बुलिश जाएगा मार्केट तो थोड़ा ध्यान से, ओके। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है गाइस थोड़ा ध्यान से मार्केट बुलिश जाएगा 12:06 के बाद, ठीक है, इन्होंने यहाँ कुछ चार्ट शो किए हुए थे, मैंने 12:06 पे जो बताया था थोड़ा बुलिश जाएगा, बट नो डाउट 12:06 के बाद मार्केट गिरा और मैं भी पागल ही कि मैंने शॉर्ट मारा, मैं ऑलमोस्ट अपने ब्रेक इवन पे आ चुका था, मतलब ठीक है थोड़ी देर, और जो देखो ये जो उठाए ना ये सब जानते हैं, ये वो है कि उन्होंने हाथ मिला लिया, अब देखना कल ही बोलेंगे नहीं हमने हाथ नहीं मिलाया, अब ये उनका चल रहा है वो छोड़ो, बट एज ऑफ नाउ मैं बुलिश क्यों था मैं आपको वो बता देता हूँ, मेरा रीजन बुलिश होने का क्या था, आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आओ एक बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, ट्रेडिंग पैटर्न मिलेगा, दैट इज अ सिंपल पैटर्न,
और जहां से मैं एक लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए रेडी था, बट गलती ये कि मैं ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करने के स्टेटमेंट में नहीं था, मतलब मेरे को सदमा नहीं चाहिए ओवरनाइट के लिए, क्योंकि फिर मैंने बहुत मुश्किल से उस लॉस को रिकवर किया। मैं बार बार लॉस नहीं करता, हमको पता है, रिकवर करके निकल जाता हूँ, ब्रोकरेज मेरा लॉस है, डिफरेंट पार्ट ऑफ थिंग्स। बट नहीं, अभी कल मैंने आपको कहा था कि मार्केट एक बारी के लिए मार्केट इस एरियाज में जरूर आएगा, और देखो मार्केट इस एरिया में पहले तो गैप डाउन, बहुत गैप डाउन हुआ, और उधर से मार्केट बुलिश ही रहा पूरा दिन, गैप फिलिंग कर दिया है। नाउ इट्स अ क्वेश्चन इज दैट कि क्या मार्केट कंटिन्यू कर सकता है क्या। सी, अगर न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करनी है तो वो कुछ भी हो सकता है, बट अगर मैं एनालिसिस पार्ट करूँ तो भाई साहब, मार्केट अगर आज के हाई जो कि 37,600 के ऊपर मार्केट आता है और टप्पा खाता है, और इसी टप्पे के ऊपर मतलब 37,800 के ऊपर करके कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करता है, तो इट विल बी अ बुलिश मोमेंटम टिल 38,800। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, बहुत तगड़ा मोमेंटम आपको मिलेगा। पहला टारगेट कल का यही होगा, अगर मार्केट इस लाइन को तोड़ा 38,000, स्ट्रेट फॉरवर्ड 38,000 आंख बंद करके यूज कर लेना, कोई टेंशन नहीं। बट लेट सपोज मान लेते हैं मार्केट गैप अप नहीं खुलता है और कॉस्ट खुलता है, कॉस्ट खुलेगा भैया इसको क्लोज होने देना, अदरवाइज ट्रेड मत करना। मान लेते हैं बहुत ही हैवी कॉस्ट गैप अप खुलता है, लगभग इस एरिया के आसपास खुलता है, जो कि उम्मीद नहीं है, पर उम्मीद हर जगह कायम है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो, ठीक है। अगर मान लो मार्केट इधर खुलता है तो भैया आपको फिर बहुत केयरफुल होकर ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ तक थोड़ा सा रिजेक्शन अपने क्लोजिंग के आसपास दे सकता है। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर मार्केट मान लेते हैं गैप डाउन कॉस्ट पे खुलता है और ऊपर अप्रोच करता है तो हमें एक डबल टॉप दिख सकता है, तो इस डबल टॉप में इसलिए बोल रहा हूँ कि ऊपर वाली लाइन के ऊपर ही बाय करेंगे। मार्केट मान लेते हैं मार्केट इस लाइन के धीरे धीरे नीचे आता है, बट हमारे को जो ये बड़ा मोमेंटम आया ना, इस मोमेंटम के नीचे शॉर्ट मारना पड़ेगा। बट आई डोंट नो व्हाई, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्केट अब जाने वाला है, राइट? और नो डाउट सर आपको तो डेली लगता है, अब इसका हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे गिरता है, और लेट सपोज मार्केट नीचे गिरता है, कंटिन्यू करता है डाउन साइड का मोमेंटम आफ्टर 37,000 लेवल, तो आपको आज का लो 36,800 के लेवल पे लग सकता है, और उसके माइट बी पॉसिबल हो 3600 भी आ सकता है। बट डेटा क्या कहता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है भी, राइट? अगर मैं बैंक निफ्टी के डेटा की बात करूँ तो बैंक निफ्टी का डेटा ऑलमोस्ट 37,500 के लेवल, 37,500 के आदमी फंसे पड़े, 37,500 के आदमी फंसे पड़े, मतलब मार्केट कॉस्ट पे खुल के ऊपर की साइड पुश कर सकती है। अगर वो ऊपर की साइड पुश करती है तो इट विल बी अ मैक्सिमम चांस, आई रिपीट, मैक्सिमम चांस कि आपको यह ट्रैप करेगा, और वो अगर ट्रैप नहीं होना तो इसको ब्रेकआउट होने देना है रेड लाइन और जोन को भी, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे बहुत गंदा। और मार्केट कॉस्ट पे खुल के ऊपर गई तो याद रखना मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। बिकॉज आप अगर देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन आप देखिएगा, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिएगा, ये जो पिछले ट्रेंड लाइन है इसने इसी ट्रेंड लाइन पे, मैं बहुत रीजन थे बुलिश होने का बट मेरी हिम्मत नहीं मुझे पूरा दिन फ्यूचर होल्ड करने की, क्यों? क्योंकि आपको पता है सारा ग्लोबल मार्केट डाउन है, और टेक्निकल ठीक है, मैं मानता हूँ टेक्निकल बहुत अच्छा है मेरा, बट मैं फिर भी आज पूरे दिन होल्ड नहीं कर पाया, और आफ्टरऑल मैंने लास्ट में 9,000 का वो किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो भी है, थोड़ी तबीयत वबीयत भी खराब थी तो हो सकता है उसकी वजह से, बट ठीक है, मैं तुम्हारा भाई नहीं डरा उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मार्केट ने डराने की कोशिश करी बट इतने भी वो नहीं है कि हम डर जाएं। मार्केट जैसे भी बड़े बड़े लॉसेस दे चुका है और प्रॉफिट दे चुका है, बट हमारे को कंसिस्टेंट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, मेरे लिए भी 37,500 का लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जहाँ से मार्केट अभी रिजेक्ट होकर के गिरा है, जहाँ से मैंने पुट ऑप्शन भी लिया था अपने दूसरे वाले अकाउंट में, नियर बाय ये पूरा रैली खाया और एग्जिट हो गया, वो भी पहली बात मैंने ऑप्शन बाइंग किया। वाओ, बताना ऑप्शन बाइंग का कैसा लगा प्रॉफिट तुम्हारे भाई का। नो डाउट लॉसेस भी होते हैं, बट मैं अगर मुझे स्केल्पिंग करनी है तो द बेस्ट पार्ट फॉर स्केल्पिंग इज ऑप्शन बाइंग। इफ यू गो फॉर द स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, अगर पैसा खूब है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप फ्यूचर में ऑप्शन बाइंग करूंगा मैं, और अगर इसमें खूब पैसा है तो मैं ऑप्शन फ्यूचर के अंदर में करूंगा, अगर थोड़ा सा पैसा है 6-7 लाख रुपए का है तो फिर मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा ह्यूज क्वांटिटी से, और उससे भी ज्यादा पैसा है और स्केल्पिंग करनी तो फ्यूचर ऑप्शन सेलिंग इज अ गुड पार्ट, राइट? उसमें 1200 क्वांटिटी मतलब बहुत होता है यार, 1200 क्वांटिटी मेरे एक बारी के लिए तो मतलब क्या ही बोले, ठीक है। बाकी ये वाली ट्रेंड लाइन थोड़ा ध्यान रखना, इस ट्रेंड लाइन को आपको काम मिल सकता है, ये ट्रेंड लाइन के आपको जब तक मार्केट ऊपर है सपोर्ट करता हुआ चलेगा, राइट? आई होप आप समझ पाए होंगे। मैं लास्ट निफ्टी की भी बात कर लेता हूँ, निफ्टी निफ्टी निफ्टी, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ भाई साहब, निफ्टी ने मेरा दिल खुश कर दिया,
राइट, क्योंकि क्यों कर दिया, क्योंकि मेरी होल्डिंग थोड़ी बहुत ग्रीन में आई है। राइट, होल्डिंग के लिए मैं डेली इतना पैसा कमा रहा हूँ कि होल्डिंग ग्रीन में आ जाए, ग्रीन में आ जाए, बट नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। और गाइस, मेरे पास एक और रीजन था, ये आपको बता देता हूँ मैं, बुलिश क्यों था आज आपके सामने। देख लो, मैंने डिस्कॉर्ड के अंदर लिखा भी है, देख लीजिए, 6:12:06 टुडे, आज का ही दिन है, आज डेट भी देख लीजिए। मैंने बहुत रीजन थे बुलिश होने का, बट अब आपको पता है कि मैं बुलिश अगर हूं तो मैं कुछ देख करके ही चल रहा हूँ गाइस। राइट, सॉरी, मैं ना खराब है, देखिए चलो, अगर मैं बात करूं इस एरिया के ऊपर, कल किसी मेरे प्यारे भाई ने मुझे बताया था। राइट, तो इस एरियाज के आसपास लगभग 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 इस एरियाज के आसपास मार्केट बहुत अच्छे सपोर्ट लिया है मेरे हिसाब से। भाई मार्केट बोले जाएगा, ठीक है, तुम्हारे भाई ने 38,900 का कॉल ऑप्शन लेके रखा हुआ है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी गो अप, बट मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आप बुलिश बैठो। अगर आप बैठना चाहते हो तो हमारी स्ट्रीम पे आ सकते हो। आज भी मैंने एक ट्रेड दिया था, ठीक है, वो ट्रेड भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बेसिस पे पुट साइड पे बैठा, बट प्रीमियम ऑफ द पुट्स एंड नॉट इंक्रीज दैट मच, जो कॉल में ही इंक्रीज हुआ। नो डाउट, थोड़ा कुछ ने कुछ ते कुछ तो अच्छा, भाई बोलते हैं ना कुछ तो अच्छा ही मिल ही रहा है अपने को। मार्केट ने फाइनली इसी एरिया के आसपास बंद किया है, बट मोस्ट प्रोबेबली मेरे अकॉर्डिंग मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी के चार्ट्स पे 17,050, 17,050 और 17,000 का तो इतना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस सपोर्ट जोन है। मार्केट ने इस लेवल को तोड़ने की बहुत बार प्रैक्टिस करी, पर प्रैक्टिस करते करते वो इस जोन को इतनी तगड़ी तगड़ी से तोड़ा, क्योंकि देखो न्यूज में बहुत जान होती है यार। राइट, और ये तो ऐसी न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट टिका हुआ है। तो मैं बोलूंगा निफ्टी को एज ऑफ नाउ निफ्टी में कोई ट्रेडिंग मत करना, बट अगर आप पोजिशनल बाइंग करना चाहो कोई बंदा, तो अपने आज के लो को एसएल डाल करके चल सकते हो। मानोगे, मतलब मार्केट ने डेली नीचे गिरता है, आप देख सकते हो भैया, मार्केट जब भी नीचे गिरता है वो बहुत जल्दी क्विकली रिकवर कर जाता है, बहुत क्विकली। आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। भैया मार्केट की सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है, बट थोड़ा ध्यान दे करके चले। राइट, तो भाई एज ऑफ नाउ मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि अपनी ट्रेडिंग थोड़ा ध्यान से करें, हो सके तो इस हफ्ते में ट्रेडिंग मैं अभी, हो सकता है कल और परसों सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करूँ और छोटे कैपिटल पे, और 1-2% कमा के बाहर निकलूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा अगर मैं थोड़े दिन और ऐसे ट्रेड करता रहा तो शायद हो सकता है अच्छा भी कमाऊँ, नहीं हुआ तो फिर कैपिटल जाने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, और वो कैपिटल है भी मेरे भाई का तो वो मेरी जान खा लेगा, तो ठीक है, तो मैं छोटी कैपिटल के साथ में ऑप्शन सेलिंग करूंगा। टाटा बाय बाय फ्यूचर वालों, ठीक है, मैं थक गया अब। ओके, तो कल ट्रेड करेंगे एज कम्पेयर टू बी मॉर्निंग में 9 बजे मैं कल आ जाऊंगा किसी भी हालत में, ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गया था। बाकी अगर कोई भी बंदा अगर मेरे साथ जुड़ना चाहे तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइव स्ट्रीम पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मॉर्निंग 9 to 1 o'clock इन द आफ्टरनून। और अगर आपको अच्छा लगे हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो, अगर अच्छा ना लगे तो कोई टेंशन नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाएगा आपको हमारी स्किल्स और हमारे एनालिसिस कैसे लगे। नो डाउट ये बनाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमने कल यही बोकना है जा करके, ठीक है, तो वही चीज़ वाली बात है। बाकी अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें, और जल्द से जल्द आपसे कल मिलते हैं। ओके गाइस, टाटा, टेक केयर।